दो पढ़े एक बार सब, एनसीईआरटी चैप्टर 5। बुकलेट सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो हम लोग अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ रहे थे, और अर्थ मैग्नेटिज्म देखते हैं आज इस चैप्टर को खत्म ही करते हैं। ठीक है, तो अर्थ मैग्नेटिज्म में शायद हम लोग पढ़ लिए थे कि एंगल ऑफ डिप क्या कहलाता है। ठीक है, यानी कि वही, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करते हैं, तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी भी सरफेस पे देखते हैं, तो जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजेंटल सरफेस से जितना एंगल बनाया होगा, उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। अब जैसे कुछ टर्म्स है, उस चीज को देखते हैं, तो सम डिफिनेशन या टर्म्स टर्म्स हम बोल सकते हैं, टर्म्स जो यूज होता है। एक तो होता है, जैसे ज्योग्राफी में यूज करते हैं हम लोग, मैग्नेटिक, सॉरी ज्योग्राफिक मेरिडियन। क्या होता है ये पता है क्या? होता आवाज हमारा कट रहा है। ठीक है, एक प्लेन को बोलते हैं जो कि हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से परपेंडिकुलर प्लेन हो। ठीक है, किसी भी अगर हम पॉइंट की बात करते हैं, तो हम बोलते हैं कि एट एनी पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस। दिस इज वर्टिकल प्लेन। कंटेनिंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे जो है, अगर ऐसा प्लेन ड्रॉ कर रहे हैं जो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के लॉन्ग रहे और परपेंडिकुलर टू द प्लेन रहे, तो इसे हम बोलते हैं ज्योग्राफिक मेरिडियन। ठीक है, जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारा अर्थ सरफेस, फ्लैट अर्थ सरफेस, यानी किसी भी जगह का एक छोटा सा पार्ट दिया हुआ है, और इसमें हम बोल रहे हैं कि इधर ये जो इधर नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये साउथ होगा और ये वेस्ट हो जाएगा और ये ईस्ट हो जाएगा। ऐसा है, तो अगर हम एक ऐसा प्लेन ड्रॉ करें जो कि इस सरफेस से ऐसा परपेंडिकुलर हो, ठीक है, अगर ये प्लेन अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हो, तो ये जो हमारा प्लेन है, ये जो हम प्लेन ड्रॉ कर रहे हैं परपेंडिकुलर यहाँ से, ये ही जो है हमारा ज्योग्राफिक फिक मेरिडियन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर हम अर्थ को गोलाकार माने और ऐसा प्लेन ड्रॉ करें, तो ये अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, एक सर्कुलर प्लेन निकलेगा। सेकेंड जो है इसी से रिलेटेड है, जो हम मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ना चाहेंगे, वो है मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, मैग्नेटिक मेरिडियन यानी कि मैग्नेटिक साउथ और नॉर्थ के अलोंग जो प्लेन रहेगा, उसे हम बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, जैसे कि अगर हम ये अर्थ सरफेस मान रहे हैं, इसे हम ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड ज्योग्राफिक साउथ बोल रहे हैं, तो जो हमारा मैग्नेटिक साउथ नॉर्थ होगा, इससे कुछ एंगल पे रहता है। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक वाला पोल हो गया। तो जो अगर एक ऐसा प्लेन हम ड्रॉ कर रहे हैं जो इस प्लेन पे हो, ऐसा हो, ठीक है, ऐसा हो और इससे ऐसा परपेंडिकुलरली हो, ठीक है, यानी इस प्लेन से परपेंडिकुलर हो और इस प्लेन से जा रहा हो, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं कि ये मैग्नेटिक मेरिडियन होगा। ठीक है, दोनों में बात क्लियर है कि मैग्नेटिक मेरिडियन किसे कह रहे हैं, और बोलो। यस सर।
मैग्नेट का साउथ इधर आएगा और इधर मैग्नेट का अर्थ मैग्नेट का ठीक है। और अगर हम लोग दोनों प्लेन्स को कंसीडर करते यानी कि एक प्लेन इसके क्रॉस था और एक प्लेन ये दिख रहा है तो हम इन दोनों में देख रहे हैं कि इन दोनों प्लेन में एक एंगल अल्फा यहाँ दिख रहा है ठीक है। दोनों लाइंस के बीच में यानी दोनों प्लेन्स के बीच में एक एंगल अल्फा दिख रहा है तो जो एंगल अल्फा बन रहा है ठीक है इसे हम लोग बोलते हैं अल्फा जो एंगल है एंगल बिटवीन बोथ प्लेन्स यानी कि ज्योमेट्रिक मेरिडियन ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल बन रहा है इसे हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन या एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। ठीक है ये क्या है तो हमें दिख रहा है कि एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एंड जियोग्राफिक मेरिडियन एट एनी पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस। ठीक किसी भी अर्थ सरफेस पर अगर हम देख रहे हैं तो दोनों के बीच का ये एंगल है ठीक है यानी कि हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन और ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के बीच में जो एंगल होगा उसे ही हम लोग बोल रहे हैं एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। क्लियर है ये तो एंगल भी सेम रहेगा कौन सा 11 डिग्री अल्फा नहीं वो तो पोल्स से जो पास करता है उसको वो नहीं 11 डिग्री पे रहता है अल्फा। यहाँ तो हम किसी भी एक पॉइंट पे देखेंगे तो वहां का मैग्नेटिक फील्ड का कुछ और लेंथ जाएगा जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ड्रॉ करोगे तो हर जगह वैसा ही नहीं रहेगा तो पॉइंट टू पॉइंट ही डिफर करेगा। एनसीईआरटी में इन तीनों को एंगल ऑफ डी फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट इन सबको दिखाने के लिए एक ऐसा क्यूबिकल शेप बनाया है ठीक है। जो चीज है वो तो हम समझ गए क्या है फिर भी ठीक है। मान लेते हैं कि अर्थ सरफेस पे कोई एक पॉइंट को रिप्रेजेंट किया है। एनसीईआरटी है क्या पास में? यस सर। ठीक है तो उसमें देख सकते हो ठीक है पेज नंबर है 187 ठीक है। ये अर्थ का ये जो अपर सरफेस दिखा रहा है ये अर्थ का जो है हॉरिजॉन्टल सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस पॉइंट पे हम कोई भी एक पॉइंट लिए हैं यहाँ का अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं ठीक है तो जैसे कि ये अर्थ है तो यहाँ से अगर मैग्नेटिक फील्ड आया है तो यहाँ पे इस चीज का यहाँ से हम एक पोर्शन कट कर लिए हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इधर कहीं है। So, 187 बोलेगा। हाँ sure. दिखा चैप्टर 5 187 ठीक है ऐसा है तो ये जैसे कि अर्थ पे एक मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी पॉइंट पे बनाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड आया इधर तो किसी डायरेक्शन में है तो उसी पॉइंट अगर ये पी पॉइंट है तो इस पॉइंट पी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो अपर वाला सरफेस है वो अर्थ का हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो ये जो अर्थ है तो यहाँ से ये दिख रहा है कि अगर ये हॉरिजॉन्टल सरफेस हम माने हैं तो यहाँ से ये जो है एंगल एक दिख रहा है हमें ये तो ये चीज को बोलता है ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन या एंगल ऑफ डीप। यहाँ एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है तो आई से हम लिख रहे ठीक है दिख रहा है यानी कि अगर हम इसका इधर की तरफ कंपोनेंट लेते हैं तो ये बी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा अगर ये हम अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे हैं तो
तो हमें दिख रहा है कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट यानी अर्थ की तरफ जो जाएगा वो इधर की तरफ कंपोनेंट आएगा, और इससे बोला गया कि वर्टिकल उसमें जेड ही लिखा हुआ है। क्लियर है? अगर हम बोल रहे हैं कि पॉइंट पे जो ट्रू नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है इधर है, ठीक है, इधर की तरफ अगर मान बोल रहा है कि नॉर्थ है, जियोग्राफिक नॉर्थ है, तो जो प्लेन है ये वाला पीछे वाला जो हमें प्लेन दिख रहा है वही हमारा ज्योमेट्रिक मेरिडियन होगा, दिख रहा है, और ये वाला जो प्लेन हमें दिख रहा है यहाँ से नाम दे दे क्या, ये वाला जो प्लेन एक दिखेगा वो प्लेन हमें कौन सा दिख रहा है, मैग्नेटिक मेरिडियन। बात समझ आ रहा है? पी क्यू आर एस, ठीक है, यहां से ध्यान से देखो तो प्लेन जो दिख रहा है हमें ए बी जी एफ, ये प्लेन क्या कहलाएगा, जियोग्राफिक मेरिडियन, जियोग्राफिक। ठीक है, और वही अगर हम प्लेन की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखना है, ए ई एच बी, ठीक है, ए एच बी यानी कि इसके जो ऊपर ए ही डायगोनल है वहां से जो पास कर रहा है वो उसकी हम बात कर रहे हैं, तो उस प्लेन में ही बी आएगा, बी एच आएगा और बी भी आएगा, दिख रहा है, तो ये हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक मेरिडियन। और हम जानते हैं दोनों के बीच का जो एंगल होता है क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ये जो तो ये जो एंगल है और डी से इसमें लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम डी बोल रहे हैं फिगर के अनुसार एंगल ऑफ। सर ये फिगर वाला कुछ एक्सप्लेन कर दीजिए ना, नहीं समझ में आया फिगर। बुक देख रहे हो सर? बुक नहीं था पास में। पीडीएफ तो मिल जाएगा ना सर, वो अभी नहीं था, इसलिए नहीं देख पा रहा। ठीक है, ग्रुप में भेज रहे हैं। गया? यस सर। ठीक है, तो यही फिगर हम बनाए हैं, यहाँ पे क्यूबॉइड शेप का बना हुआ है, तो ए ई एच बी जो हमें प्लेन दिख रहा है, हम ज्यादा लाइंस ड्रॉ नहीं करना चाहते हैं क्योंकि गंदा हो जाएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ से ऐसा ये जो हम प्लेन की बात कर रहे हैं दिख रहा है अब। यस सर। ठीक है, तो प्लेन जो है मैग्नेटिक मेरिडियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए एफ, ये एफ है, ए एफ जी बी अगर प्लेन देखें तो हमें जियोग्राफिक मेरिडियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इन दोनों के बीच का एंगल जो होगा वो एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन होगा। तो ये जो एंगल है ध्यान से देखना है कि ये जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है वो नीचे की तरफ है, ऊपर हॉरिजॉन्टल सरफेस। क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है, यहाँ फिगर से अगर ध्यान से देखें तो हमें क्या दिख रहा है, पहले भी हम लोग लिखे हैं कि बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ई इंटू कॉस ऑफ आई अगर लिखेंगे तो बी हॉरिजॉन्टल मिलेगा, एंड बी साइन ऑफ आई लिखेंगे तो वर्टिकल मिलेगा। तो यहाँ से टेन आई, लास्ट क्लास भी ये लिखे थे हम लोग, टेन आई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, बी बी बाई बी एच, यानी कि
वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का जब हम रेशियो लेंगे तो टेन ऑफ एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन देगा। क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है ठीक है। फिर और ऊपर पॉइंट ए पे अगर हम लोग हॉरिजॉन्टली एक कंपास रखेंगे तो कहाँ पॉइंट करेगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा जो मैग्नेटिक हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है तो पीएच हाँ सर वो तो फिर अवे फ्रॉम मैग्नेटिक नॉर्थ पॉइंट करेगा। अगर हम बोल रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड बीएच की तरफ है तो जो हमारा कंपास होता है वो क्या होता है? एक बार मैग्नेट की तरह होता है, ये साउथ नॉर्थ, इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर की तरफ होगा। इसे अगर हम किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो किधर की तरफ पॉइंट करेगा? ऐसा रोटेट होके इधर ही हो जाएगा। तो वैसा ही इसमें भी रिप्रेजेंट करेगा। सर तो वो अवे फ्रॉम मैग्नेटिक नॉर्थ क्यों पॉइंट करेगा? क्या अवे फ्रॉम मैग्नेटिक नॉर्थ क्यों पॉइंट करेगा? इधर जब जियोग्राफिक नॉर्थ है तो इसका नॉर्थ किधर होगा अर्थ का? बोलो। बी के तरफ होगा। ये जैसे कि हम अर्थ सरफेस बनाए हैं, हम इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बी लिखे हैं, ठीक है? यानी कि अगर डायग्राम में किसी दूसरा दिया हुआ है ना, ये नहीं लिखे लिए हैं। राइट की तरफ है पॉइंट। राइट लेफ्ट में ही तो लिए हैं। ये जो पॉइंट है वो राइट में दिखाया है फिगर 8.10 इसमें। उस बुक में देख रहे हो? यस सर। क्या राइट में दिखाया है? पॉइंट पी है। अच्छा ठीक है, बी है। तो वहां पे भी बी जो है वो कैसा गया है? इस तरीके का दिखाना चाहता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता तो ऐसा आके यहाँ पे आया है, तब इधर बी आया है। Yes, sir. तो मैग्नेटिक साउथ इधर होगा तभी इस पे आ रहा है, दिख रहा है? तो अगर हम सर बाहर मैग्नेट का साउथ, हाँ तो अंदर अर्थ का जो मैग्नेट है वो ऐसा होगा तभी तो इस ऐसा दिख रहा है हमें। यस सर। अब ये अर्थ सरफेस हो गया। यस सर। तो यहाँ पे अगर हम कंपास रखेंगे तो कंपास इधर की तरफ रहेगा, यानी कि जिधर साउथ, अब यहाँ बीच में तो है नहीं, साउथ पूरे में हम लोग ले रहे हैं तो नॉर्थ इसका इधर दिखाएगा साउथ की तरफ। बात समझ आ रहा है? तो जिधर आप बनाए हैं एरो नॉर्थ वाला सर, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे ऐसा कुछ ले लिया है, ठीक है? अब ये मैग्नेटिक, ये तो पूरा इधर की तरफ ले रखा है, ठीक है? Yes, sir. तो बनाने के ऊपर है कि किधर एंगल लिया है उस हिसाब से वो दिखा रहा है। तो अगर नीचे भी रहेगा पॉइंट सब, फिर भी वो ऊपर की तरफ ही ना आना चाहिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। क्या चीज सर? अगर पॉइंट को थोड़ा नीचे भी लेगा तब भी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है वो टुवर्ड्स नॉर्थ पॉइंट करना चाहिए, तो वो तो अवे फ्रॉम नॉर्थ पॉइंट कर रहा है। मतलब नहीं समझ रहे क्या कह रहे हो? अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का अगर हम बात कर रहे हैं सारा, ठीक है? और सर जो डायग्राम में दिया हुआ है सर एनसीईआरटी वाला, उसका बात कर रहे हैं। हाँ तो उसमें तो यही ना दिया है कि इधर की तरफ आया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड, इसे वर्टिकल कंपोनेंट बोल रहा है, इसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोल रहा है। यस सर। तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट
जो बनाया है वो जिधर आप एरो बनाया है नॉर्थ और उसका अपोजिट डायरेक्शन बनाया है। हाँ इधर की तरफ बोल रहा है कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है yes. और इधर वर्टिकल है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर हम देखें तो एकदम इनटू द प्लेन ले रखा है, तो इसके हिसाब से अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो ये नॉर्थ टू साउथ, साउथ की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, इसके हिसाब से तो उल्टा आ जाएगा। ठीक है, इसमें जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास पढ़े भी थे, निकाले भी थे कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हमेशा किधर से किधर रिप्रेजेंट करता है, बोलो। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन हमेशा साउथ टू नॉर्थ ही रहता है। यस सर। तो इसमें बनाया कुछ गड़बड़ कर दिया होगा प्रिंटिंग में। तो हम लोग जो था एक्सिस, जैसे कि इसके जस्ट बगल वाला फिगर जो देखो उसमें देखो तो डायरेक्शन टुवर्ड्स नॉर्थ ही दे रखा है। तो कौन सा फिगर है? उसी के जस्ट बगल 511। यस सर। एची जो दे रखा है किधर दे रखा है? नॉर्थ की तरफ ही दे रखा है। तो दोनों को अगर हम देखें तो दोनों में तो गड़बड़ ही है सर। वो ट्रू नॉर्थ की तरफ दे रखा है, टॉक्सिक नॉर्थ। हाँ तो हम भी तो वही बोल रहे हैं। तो जैसे कि जो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट आया था हमारा वो जियोग्राफिक साउथ जियोग्राफिक नॉर्थ की तरफ ही तो हमेशा रह रहा था। यस सर, लेकिन सर जहाँ ट्रू नॉर्थ है वहीं पे मैग्नेटिक नॉर्थ होना चाहिए ना। जहाँ ट्रू नॉर्थ है वहाँ मैग्नेटिक नॉर्थ नहीं, समझे? ट्रू नॉर्थ कहना चाह रहा है कि ये जो है डायरेक्शन की बात कर रहा है। यस सर। ठीक है, ये मैग्नेट की नॉर्थ से कोई लेना देना नहीं है इसका, ठीक है। और तुम क्या कहना चाह रहे हो सर? सर ट्रू नॉर्थ और जो मैग्नेटिक नॉर्थ होता है उन दोनों का जो एरो रहेगा तो अगल बगल ही ना रहेगा, इसमें तो एकदम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। 5.10 फिगर में ना? यस सर। हाँ तो वही बोल रहे हैं फिगर बनाने में कुछ गड़बड़ किया है, क्योंकि अगर हम इसी फिगर से रिलेट करके 5.11 देखें तो इसमें देखो बी किधर दे रखा है। यस सर। ठीक है, तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम लोग लास्ट क्लास भी देखे थे तो नीचे ऊपर दोनों तरफ निकाल कर देखे थे हम लोग, तो हमेशा किधर से किधर रहता है? जियोग्राफिक साउथ से जियोग्राफिक नॉर्थ ही रहता है और यहाँ उल्टा दे रखा है। ठीक है, तो हम लोग जो उसका मैट वाला एक्सेस है उसको राइट में ले रहे थे उसकी वजह से कम हो रहा है क्या? हाँ, हम लोग मैग्नेट वाला एक्सेस जो है उसको हम लोग राइट में ले रहे थे, इसमें लेफ्ट में लिया तो राइट नहीं। ये जो फिगर बना रखा है ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर का ले लिया है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ऐसा हॉरिजॉन्टल सरफेस पे लेते हैं ऐसा आएगा तो ये एंगल लेंगे तो इसमें डायरेक्शन इधर ही आएगा, ऊपर का लेंगे तो मान लेते हैं कि ऐसा कुछ आ रहा है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया तो इसमें जो है तभी तो इसके हिसाब से ले रहे, पूरा गोल घुमा के एकदम नीचे की तरफ ले रखा है इसलिए गड़बड़ दिख रहा है इसमें। ठीक है, वैसे अगर रियली माना जाए तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म होता है वो हमेशा ज्योग्राफिक साउथ से नॉर्थ की तरफ ही दिखाते हुए मिलेगा। ठीक है, यस सर। इसमें पूरा अंदर की तरफ नीचे डाउनवर्ड ले लिया है कि बी है एकदम, तो गड़बड़ किया फिगर के हिसाब से। ठीक है, Yes, बाकी एक होता है डीप नीडल, जैसे जो नीडल, ठीक है, ये भी एक
कंपास की तरह कहीं एक डिवाइस है, ठीक है। आगे जो ब्लू कलर का पैराग्राफ दिया है उसमें इसके बारे में वो दिख रही है, नाम लिखा है बस, इस तरीके का ही होता है कुछ। ठीक है, यहाँ पे ऐसा ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे जो है हमारा कंपास लगा होता है। ठीक है, मान लेते हैं ये रेड कलर से पेंटेड है, रेड से पेंटेड है तो नॉर्थ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब जो भी डायरेक्शन है जैसा भी है, इस तरीके का कुछ रहता है। यानी कि इसे हम रखे हैं तो ये जो है वर्टिकल प्लेन में है। ठीक है, ये किस प्लेन में है? वर्टिकल प्लेन में। कंपास जो हम लोग यूज करते थे वो क्या था? लगभग हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहता, इसे हम बोल रहे हैं वर्टिकल प्लेन। अगर हम मान लेते हैं कि किसी भी अर्थ सरफेस पे कहीं भी अगर हम इसे मैग्नेटिक रेडियन के रेडियन जो प्लेन है उसके अलोंग रखेंगे तो इस पे जो डिफ्लेक्शन होगा वो किधर की तरफ होगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो मूव नहीं कर सकता है, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में ही मूव करेगा करेगा। तो ये जो डिवाइस है ये एंगल ऑफ डीप मेजर करने के लिए है। ठीक है, इट इज यूज्ड टू मेजर एंगल ऑफ डीप। ठीक है, एंगल सिमिलर टू कंपास है, कंपास जैसे हम लोग हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव करता था ये जो है वर्टिकल प्लेन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये डीप मिरर जो होता है यूज होता है डिजिटल करने के लिए। और वेनोमीटर एक है। सर आपका आवाज हल्का कट कट के आ रहा है। हेलो, अभी ठीक है? सबके पास कट। ठीक है, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर होता है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है इस सब हम लोग को नहीं पढ़ना है। जनरल नॉलेज के लिए याद रखना है कि इट इज यूज्ड टू मेजर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। टू मेजर BH, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वही मेजर करने के काम में आता है। तो अगर हम डीप एंगल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहीं भी माप लें तो हम मैग्नेटिक अर्थ मैग्नेटिज वहां पे क्या है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा, वर्टिकल आ जाएगा तो हम लोग टोटल भी निकाल सकते हैं। इतना बात में किसी को दिक्कत? नहीं है? नो सर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो मैटर है उसके प्रॉपर्टीज के बारे में। जैसे कि हम लोगों ने अभी तक देखा है कि करंट कैरिंग कंडक्टर हो तो उससे मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, चार्ज मूव कर रहा हो यूनिफॉर्म स्पीड से तो उससे भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अब देखते हैं किसी मैटर से कैसे क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में तीन सोर्सेस पढ़े हैं। एक तो इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक करंट अगर बह रहा है तो उसके अराउंड में हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। दूसरा, एक चार्ज मूव कर रहा होगा तो उसके अराउंड में हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। तीसरा, जो एक नेचुरल ऑकरिंग मैग्नेट था, ठीक है, यानी कि उसमें जो मैग्नेटिज्म इफेक्ट था वो किस वजह से था, तो हम बोलेंगे कि उसमें जो उसका अपना एक प्रॉपर्टी है, उसके जो न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं तो वो एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट कर रहे हैं जो एड अप होके वो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग
बहुत अलग तरह के मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे, जैसे आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सब हो गए, कि ये सारे जो हैं एक खुद मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम लोग आयरन का ही कोई भी रॉड ले ले, उसे अगर हम मैग्नेट से टच कर दे, तो हमें दिखता है कि कुछ देर तक वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जैसा बिहेव करता है। ठीक है, देखे होगे जब भी टीवी बनाने ले गए हो या फिर मोबाइल बनाने, तो वहां जो स्क्रू वो लोग यूज करते हैं, तो मैग्नेट से टच कर देते हैं, तो जो नट होता है, स्क्रू जो होता है, उसको आपस में चिपका लेता है। ठीक है, यानी कि ऐसा होता है कि जिस भी चीज से, रॉड से हम लोग मैग्नेट को छुए, तो जो रॉड है कुछ देर तक उसमें मैग्नेट की तरह बिहेवियर आ जाता है। तो वही सब चीज हम लोग यहाँ देखेंगे कि कैसे मटेरियल में वो बिहेवियर आएगा, किस मटेरियल में ज्यादा देर तक रहेगा और क्यों होता है। ठीक है, तो हम लोग ओरिजिन के बारे में तो कर लिए, और यहाँ पे ये जो है एक्स्ट्रा इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है किसी भी मैटर के अंदर में। ठीक है, और ये सारे किस वजह से होंगे, तो सारे एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही होंगे, जैसा कि हमारा परमानेंट मैग्नेट के अंदर हुआ करता था। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट में ऐसा मटेरियल था जिसका जो है नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट कर रहा था, इस वजह से उससे मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल रहा था। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पहले से कोई मैग्नेटिक डाइपोल नहीं रहेगा, लेकिन अगर हम एक्सटर्नल फील्ड में पुट करते हैं तो मैग्नेटिक डाइपोल जनरेट हो जाता है। सेम वैसा ही जैसा हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन डाइइलेक्ट्रिक्स। अगर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल को हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे थे, तो बोले थे वो पोलराइज हो जा रहा है, यानी कि वो एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसे अपोज कर रहा था, इंड्यूज होकर उस पर कुछ चार्जेस जनरेट हो रहे थे, बोल रहे थे कि मटेरियल पोलराइज हो गया। वैसा ही इफेक्ट यहाँ पे हम लोग सेम देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि अगर हम किसी भी मटेरियल को अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हैं, तो क्या होगा कि उसके जो एटम में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस एक्सटर्नल फील्ड से इंटरेक्ट होंगे, और इंटरेक्ट होके वो मूव करेगा। अब वो मोशन या तो सपोर्ट में हो सकता है या फिर अपोज हो सकता है, डिफरेंट टाइप के मटेरियल से, तो उसमें ये जो है डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉन्स इंटरेक्शन होगा और उससे वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करेंगे। तो इन्हीं सब के बेसिस पे हम लोग जो है मैटर को तीन पार्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, तो वही चीज हम लोग देख रहे हैं बेस्ड ऑन रिस्पॉन्स ऑफ मटेरियल इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, materials are classified into first diamagnetic material, second paramagnetic material, and third ferromagnetic। ठीक है, तो हम लोग इसे तीन पार्ट में पढ़ते हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। तो ये समझने से पहले थोड़ा बहुत मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में हम लोग जान लेते हैं किसी भी एटम का। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम, यहाँ पे हम हाइड्रोजन एटम ले रहे हैं, क्या आएगा। ठीक है, यानी कि इससे ये समझना है कि हाँ भाई, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी न्यूक्लियाई के अराउंड में चक्कर लगा रहा है तो एक मैग्नेटिक मोमेंट है। ये चीज हम लोग पहले भी जानते हैं, फिर भी जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ठीक है, तो इसके अबाउट में जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे चक्कर लगाता है,
ठीक है, बोर मेडल से हम लोग ये जानते हैं कि जो हाइड्रोजन एच प्लस है उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम लोग ये जानते हैं कि ये किसी न किसी स्पीड से मूव कर रहा होगा, और इसका एंगुलर मोमेंटम जो है बोर के अकॉर्डिंग एन एच बाई टू पाई दिया जाता है। अगर एन इक्वल है तो यहाँ पे एच बाई टू पाई लिख सकते हैं, क्योंकि सिंस एन इज इक्वल टू वन फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, और हम लोग एक चीज तो पढ़ रखे हैं कि एम बाई एल, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट बाई एंगुलर मोमेंटम जो होता है ये क्यू बाई टू एम होता है। तो यहां से हम बोल सकते हैं किसका मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो भी होगा, वो कितना होगा, ई बाई टू एम इंटू एल, एल की जगह एच बाई टू पाई, यानी कि ई एच बाई फोर पाई एम। तो ये हमें दिख रहा है कि मैग्नेटिक मोमेंट किसी भी एक चार्ज जो है न्यूक्लियस के अबाउट घूम रहा है, तो अगर एन रहता तो ऊपर हम लोग एन लिख लिए रहते हैं। यहाँ पे एम है तो इसे हम लोग कभी कभी म्यू से भी रिप्रेजेंट करा जाता है, तो बुक्स में अगर लिखा हुआ रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, समझना ये नहीं है कि कुछ और चीज है। ठीक है, ये मैग्नेटिक मोमेंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग ये समझे कि अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के अबाउट में घूम रहा है, यानी कि उससे कुछ करंट जनरेट हो रहा है, ठीक है, क्यू बाई डेल्टा, क्यू बाई डेल्टा टी, और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है एरिया है तो मैग्नेटिक मोमेंट है, और वो मैग्नेटिक मोमेंट कितना है तो ई एच अपॉन फोर पाई एम। पहले हम लोग ये क्वेश्चन करके निकाले भी थे। ठीक है, तो ऐसा तो हम एक हाइड्रोजन एटम के लिए बात कर रहे हैं। अगर हमारे पास कोई एक स्लैब दे दिया जाए किसी भी मटेरियल का, तो उसमें बहुत सारे एटम्स हैं, हर एटम के पास अपना इलेक्ट्रॉन होगा और इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन पे डिपेंड करता है जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट या नहीं होगा। अगर हम किसी पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो उसके लिए होगा, हो सकता है कि ओवरऑल मिलके जीरो भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो डिपेंड करता है कि वो मटेरियल कैसा है, उसका प्रॉपर्टी कैसा है। ठीक है, तो अगर हम नेचुरल मैग्नेटिक मोमेंट की बात करते हैं किसी भी मटेरियल के लिए, मैग्नेटिक एंड डिफरेंट मटेरियल, ठीक है, नेचुरल मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के लिए, तो हम जानते हैं कि अलग अलग मटेरियल्स का जो एटम होता है और उसके अलावा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, कैसा उसका बॉन्डिंग है, क्या है स्पिन है, इन सब चीजों से रिलेटेड। ठीक है, तो इतना तो हम जानते हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉन है अगर रिवॉल्व कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसके पास कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होगा ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन, ऑर्बिट के अराउंड में वो रिवॉल्व कर रहा है, ऑर्बिटल रिवॉल्यूशन हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि उसके पास कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होगा। ठीक है, जो भी एंगुलर मोमेंटम है उन सब की वजह से बहुत सारे एटम होंगे, उसमें एड अप हो जाएगा। मान लेते हैं ओरिएंटेशन सबका अगर सेम तरीके का है, लाइन से अगर एटम खड़े हो और सब में जो इलेक्ट्रॉन है सेम तरीके से घूम रहा है, तो उससे हमें दिखेगा कि मैग्नेटिक मोमेंट सबका सेम डायरेक्शन में होगा, और सेम डायरेक्शन में होगा तो वेक्टर ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर हो सकता है कि दो एटम्स हैं, एक का ओरिएंटेशन दूसरा है, दूसरे उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है, तो दोनों का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो एड अप होके जीरो हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन। तो डिपेंडिंग ऑन पॉसिबिलिटीज हम लोग देख सकते हैं कि डिपेंडिंग ऑन पॉसिबिलिटीज ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम, ठीक है, एक जो मटेरियल मिल सकता है हमें, ऐसा मटेरियल मिल सकता है
जिसमें ये सारे एटम्स हैं और एटम्स के अबाउट में जो भी इलेक्ट्रॉन है वो घूम रहे हैं तो एक दूसरे को कैंसिल कर जा रहे हैं, यानी कि अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल एटम भी बोले तो भी जीरो है। ठीक है, हो सकता है कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहा हो, जैसा भी कर रहा हो। ठीक है, तो इसमें हम बोल रहे हैं कि एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और एम आई बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल एटम। इंडिविजुअल एटम, अगर एक एटम का ही मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है तो इसमें अगर हम टोटल मैग्नेटिक मोमेंट की बात करेंगे तो भी तो जीरो होगा ही। ठीक है, यानी कि ये जो चीज हम लिख रहे हैं ये एक एटम है, यानी कि ऐसा टाइप का है जो कि एटम हुज मैग्नेटिक मोमेंट इज जीरो। ठीक है, ये ऐसे एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जिसका खुद का मैग्नेटिक मोमेंट जो है जीरो है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग डाइलेक्ट्रिक के केस में पोलर एंड नॉन पोलर यूज कर रहे थे और बोले थे कि अगर पोलर मॉलिक्यूल है तो उसका कुछ डाइपोल मोमेंट रहेगा, नॉन पोलर है तो डाइपोल मोमेंट नहीं रहेगा। वैसे ही यहाँ पे कुछ एटम ऐसे सो बिहेवियर शो करता है कि उसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो जीरो है, मैग्नेटिक मोमेंट या डाइपोल मोमेंट बोले वो जीरो है। ठीक है, ये हम बोल रहे हैं फर्स्ट स्टेप। सेकेंड ये हो सकता है कि उसमें मैग्नेटिक मोमेंट रहे। ठीक है, इंडिविजुअल एटम का मैग्नेटिक मोमेंट जो है रहे, लेकिन वो किस डायरेक्शन में है ये हमें नहीं पता है। ठीक है, यानी कि ये सब जो है इंडिविजुअल एटम के हमें मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शंस दिखा रहे हैं, यानी कि एम इंडिविजुअल की बात करें तो ये नॉन जीरो है। ठीक है, यानी कि देयर इज सम मैग्नेटिक मोमेंट, ऐसा लिखो सर, मैग्नेटिक मोमेंट इज नॉन जीरो, ये चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन ओवरऑल जब हम इसे जोड़ देते हैं तो ओवरऑल टोटल की अगर हम बात करते हैं तो ये जीरो आता है। ठीक है, अगर ये टोटल जो है जीरो नहीं आएगा तो मैग्नेट होता है। ठीक है, जो हम लोग पहले पढ़े हैं मैग्नेट, तो उसमें क्या होता है कि जब हम लोग का जो मटेरियल होता है उसके जो एटम्स होते हैं उसमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है और वो सारा एडअप होके भी जीरो नहीं होता है। लेकिन नेचर में और भी बहुत तरह के मटेरियल पाए जाते हैं और उसमें इस तरीके का कुछ बिहेवियर होता है। जैसे फर्स्ट वाला में दिख रहा है कि जो हमारा एटम है उसके पास खुद ही एक भी एटम के पास मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है। जैसे ऊपर हाइड्रोजन देखे हमने, तो हाइड्रोजन में क्या था कि मैग्नेटिक मोमेंट था, लेकिन यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो इसमें मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है। जैसे एग्जांपल में इसको बोला जाता है कॉपर हो गया, वाटर हो गया, तो उसमें क्या होता है कि मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता है। ठीक है, दूसरा देख रहे हैं हाइड्रोजन का ही ले लिए मान लेते हैं, तो हम ब्लॉक नहीं मान सकते हैं, लेकिन फिर भी तो उसके पास हमारे पास देखे कि मैग्नेटिक मोमेंट मिल रहा था। ठीक है, तो हो सकता है कि बहुत सारे अगर हम तो हमें दिख रहा है कि इसमें सारे एड अप होके जीरो हो जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि इंडिविजुअल के पास मैग्नेटिक मोमेंट है लेकिन सारे एड अप होके जीरो हो जा रहे हैं। तो इन दो तरह का मैग्नेटिक डाइपोल हम लोग देख रहे हैं, दो मटेरियल देख रहे हैं, तीसरा जो था वो खुद मैग्नेट था तो हम उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो था कि खुद ब खुद, यानी कि हम इसमें कुछ किए नहीं है, हमारे पास मटेरियल है तो उसमें कैसा बिहेवियर शो करेगा। अब मान लेते हैं कि इन्हें हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या इफेक्ट होगा, तो उसी के बेसिस पे हम लोग पहला पढ़ रहे हैं डायमैग्नेटिक। ठीक है, पहला पढ़ रहे हैं डायमैग्नेटिज्म।
ऊपर बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग डायमैग्नेटिज्म। तो इसको बोलते क्या है वो लिख लेते हैं। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ठीक है, एमएल लिख रहे हैं तो ये मटेरियल लिखा हुआ है। ड्यू टू विच इट हैज अ टेंडेंसी टू रिपेल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, डायमैग्नेटिज्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, और जो ये प्रॉपर्टी शो करेंगे उसे डायमैग्नेटिक मटेरियल बोलेंगे। ठीक है, तो ये है इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट हैज अ टेंडेंसी टू रिपेल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि अगर हम किसी भी मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और वो रिपेल करने लगे तो हम प्रॉपर्टी को बोलते हैं कि डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। जैसे मान लेते हैं किधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें हमने एक मटेरियल को रख दिया। ठीक है, इसमें हम मटेरियल को रखे, अब अगर हम किसी भी एक एटम की बात कर रहे हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है, उस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। ठीक है, और उस पे जो फोर्स लगेगा तो उसमें एक दो टेंडेंसी हो सकता है कि अगर वो रिवॉल्व कर रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करे या फिर अपोज करे। ठीक है, दो दो टेंडेंसी हो सकता है, या तो इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करे या फिर सपोर्ट करे। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि वो अपोज कर रहा है। अपोज कैसे कर रहा है, तो इसमें जो इफेक्ट जनरेट होगा, लेट से कि ऐसा ये रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, ऐसा अगर रिवॉल्व कर रहा है उल्टा डायरेक्शन में, तो कोई भी पॉजिटिव चार्ज माने तो इसका अगर छोटा सा मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन दिखेगा तो इधर दिखेगा, तो ये जो है इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहा है। जैसे कैसे सोच सकता है, तो ऐसे ही ऐसे अगर हम बहुत सारे अगर देखे सारा एटम अपोज कर रहा है तो इसमें हमें दिखेगा कि इसका खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जा रहा है जो इसको ऐसे पीछे की तरफ अपोज कर रहा है। ठीक है, तो यहां से हमें क्या दिखेगा कि इन दोनों में ये मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, इसका मैग्नेटिक इधर तरफ है, दोनों अगर एक दूसरे की तरफ अगर हम देख रहे हैं तो दोनों में हमें रिपल्सन दिख रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, रिपल्सन। यानी कि अगर ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है, एक छोटा सा मटेरियल रख दिया है डायमैग्नेटिक, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसा चला जाता है, बल्ज आउट हो जाता है बोलते हैं। ठीक है, रिपल्सन की वजह से हमें दिखेगा कि मैग्नेटिक फील्ड इस मटेरियल से क्या हो रहा है, रिपेल हो रहा है। ठीक है, तो रिपेल हो रहा है, तो अगर हम किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डायमैग्नेटिक को रखते हैं तो इस तरीके का बिहेवियर करता है, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करता है। ठीक है, ये मोस्टली जो है ऊपर जो हम लोग फर्स्ट केस लिए थे उसमें वो सब मटेरियल शो करते हैं। ठीक है, तो डायमैग्नेटिक मटेरियल का एग्जाम्पल अगर लिखें तो कॉपर, वाटर, NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, नमक, ये सब है एटसेट्रा, ये सब जो होते हैं ये बिहेवियर शो करते हैं, डायमैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं इनको। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल अगर हमसे कहा जाए तो डायमैग्नेटिक मटेरियल वैसे मटेरियल को बोलते हैं कि जो अगर हम किसी भी एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो उस चीज को अपोज करता है, रिपेल करता है। ठीक है, थोड़ा बहुत हम बोल सकते हैं कि हर एक मटेरियल जो है डायमैग्नेटिज्म शो करता है, कोई सा भी मटेरियल हो, थोड़ा बहुत की अगर बात की जाए, कम एक्सटेंट की बात की जाए तो रिपेल करता है। ठीक है, इतना बात क्लियर है?
यस सर ठीक है। यानी कि यहाँ से डायमैग्नेटिक मटेरियल हमसे कहा जाएगा तो हम बोलेंगे कोरिपेल करता है। एक टर्म यूज होता है लेविएशन, मैग्नेटिक लेविएशन। ये क्या होता है? पता है क्या? ठीक है, मान लेते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल है, यहाँ नीचे से ऐसा मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, किसी भी रीजन से कोई सा भी चीज प्रोड्यूस कर रहा है इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो ये अगर हम बोल रहे हैं कि ये जो है इसमें हवा में उड़ते हुए, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक इंसुलेटिंग मीडियम रखा हुआ है तो ये जो है इस मीडियम से ऊपर उठ जाएगा और हवा में ही तैरते दिखेगा। इस पे दिखेगा कि फोर्स ऑफ मैग्नेटिक किधर लग रहा है, वेट इसका इधर लग रहा है। तो जब एफ एम जो है इक्वल टू एम जी हो जाता है तो ये हमें क्या दिखेगा, सस्पेंडेड दिखेगा, दिखेगा या फिर हवा में तैरता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो इसी इफेक्ट को बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक लेविएशन, लेविटेशन या लेविएशन। कि अगर हम लोग डायमैग्नेटिक को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो हवा में तैरते हुए दिखता है। ठीक है, ये जो टर्म है इस टर्म को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक लेविटेशन। नेक्स्ट देखते हैं पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, पैरामैग्नेटिज्म इसमें क्या होता है, जैसे कि हम लोग ये चीज तो जानते हैं कि अगर इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें अगर हम किसी भी डाइपोल को रख दें, ठीक है, ये हम डाइपोल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमारा एम डाइपोल है, तो हमें दिख रहा है कि ये इस पे ऐसा रोटेट करेगा और फाइनली वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, डाइपोल है तो डाइपोल पे जो है टॉर्क लगेगा, जिसे हम बोलते हैं कि एम क्रॉस बी टॉर्क लग रहा होगा। अब इस टॉर्क की वजह से ये जो मैग्नेटिक डाइपोल है ये मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग हो जाएगा, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट मैग्नेटिक डाइपोल रिवॉल्व्स टू such that its direction is same as magnetic field। ठीक है, अगर हम ये चीज कर रहे हैं कि इस पे टॉर्क लगा और इसका डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग हो गया, तो अगर इस मैग्नेट है, ठीक है, इसके अलोंग अगर हो गया, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है इस लाइन पे इधर की तरफ ही होगा। अब सेम डायरेक्शन में हमें दो दो मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है, यानी कि ओवरऑल जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, दिख रहा है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग देखे थे कि ऐसे मटेरियल्स जो थे, ऐसा अगर रखे थे हम लोग, इसमें हमने देखा था कि M इंडिविजुअल जो था ये नॉन जीरो था, लेकिन M टोटल जो था वो जीरो था। कब? जब यहां से हम बोल रहे हैं B एक्सटर्नल जो है वो जीरो है तब। लेकिन इसी मटेरियल को अगर हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, ठीक है, ये B एक्सटर्नल है, ये इक्वल टू B नॉट है, अगर हम इसे इस फील्ड में रख दिए हैं तो हमें क्या लगेगा कि ये सारे के सारा जो है इस डायरेक्शन में खुद को ऐसे अरेंज कर लिए हैं। ठीक है, इस डायरेक्शन में अरेंज कर लिया है तो यहाँ पे दिख रहा है कि मैग्नेटिक इफेक्ट तो बढ़ ही गया, साथ में दोनों में अट्रैक्शन भी होगा क्योंकि इसका
साउथ इधर दिख रहा है और नॉर्थ इधर दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है, अपोजिट डायरेक्शन में दिखेगा तो दोनों क्या होंगे, आपस में अट्रैक्टेड भी होंगे। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं, ये प्रॉपर्टी को डायमैग्नेटिज्म, जो मटेरियल शो करता है उसे बोलते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो यहां से हम बोल सकते हैं फेनोमेना by which all the dipoles in a material align direction of external मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं पैरामैग्नेटिज्म। जो मटेरियल शो करता है उसे बोलते हैं कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल होगा। ठीक है, यहां से हम लोगों ने देखा कि अगर हम किसी भी मटेरियल है उसे अगर हम किसी भी एक्सटर्नल फील्ड में पुट करते हैं, एक्सटर्नल फील्ड में पुट करने पे अलग अलग बिहेवियर का शो कर रहा है, यानी कि अगर पहले से उसके पास कोई भी एटम का डाइपोल मोमेंट नहीं है तब अगर रख रहे हैं तो डायमैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है, डायमैग्नेटिक मटेरियल है, और अगर उसके पास कुछ डाइपोल मोमेंट है उसे अगर हम एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो डाइपोल मोमेंट जो है उस मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग सेम डायरेक्शन में अलाइन कर लेते हैं और ऐसा मटेरियल जो होगा वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होगा। इसका जो एग्जांपल है वो है अल्मोनियम, सोडियम, एग्जांपल ऑफ सॉरी पैरामैग्नेटिक। इसका एग्जाम्पल अगर बात करें तो ये अल्मोनियम होगा, सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन। ठीक है, ये सब जो है ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, इतना बात में किसी को दिक्कत? नो सर। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि डायमैग्नेटिक मटेरियल उस मटेरियल को बोल रहे हैं कि जो अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पुट कर रहे हैं तो उसे अपोज कर रहा है। ठीक है, और अगर वही हम लोग डायमैग्नेटिक की बात कर रहे हैं तो डायमैग्नेटिक मटेरियल जो है पैरामैग्नेटिक मटेरियल की बात कर रहे हैं तो अपोज कर रहा है। तो अगर हम इनसाइड की बात कर रहे हैं यानी कि इनसाइड मटेरियल की अगर हम बात करें जो भी मटेरियल रहे तो अगर हम बोले कि यहाँ पे डायमैग्नेटिक है और इधर लिख रहे हैं हम पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो यहाँ पे वो मटेरियल है हमारा, अगर हम इधर से इस पे कुछ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दिए हैं यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इसे रख दिए हैं, लेट से बी एक्सटर्नल जो है ये बी नॉट है, तो हमें क्या दिख रहा है कि इसके अंदर में एक मैग्नेटिक फील्ड इसके अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस हो रहा है। सेम वैसा है जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग बोलते थे कि चार्ज इंड्यूस हो जा रहा है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंड्यूस हो रहा है। यानी कि अगर हम इस पॉइंट पे अगर हम बी नेट लिखना चाहें तो बी नेट जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, बी नॉट माइनस बी इंड्यूस्ड। ठीक है, डायमैग्नेटिक के केस में। लेकिन अगर वही पैरामैग्नेटिक का केस देख रहे हैं तो पैरामैग्नेटिक में क्या दिखेगा कि अगर इधर से इधर की तरफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और हम अंदर की बात कर रहे हैं तो इसमें जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है वो इसी डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम इस पॉइंट पे बी नेट की बात करें तो बी नेट जो है हमें क्या मिलेगा,
v नॉट प्लस v इंड्यूस, इनसाइड की बात कर रहे हैं मटेरियल, ठीक है। यानी कि डायमैग्नेटिज्म में क्या हो रहा है कि जो एक्सटर्नल है उससे घट जा रहा है लेकिन पैरामैग्नेटिक में बढ़ जा रहा है, ठीक है। अब यहां से एक टर्म डिफाइन होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं इसको, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फील्ड, तो पहला दोनों तो नाम अभी से समझ में आ रहा, मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्यों कहते हैं वो बाद में हम समझेंगे। ठीक है, तो यहां पे हम बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई एक वॉल्यूम भी दे रखा है, इसमें जो है मैग्नेटिक मोमेंट इस तरीके से है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक डायरेक्शन में दिख रहे हैं, ठीक है। यहां भी हम लोग इसे बोलते हैं कि जो मटेरियल है ये पोलराइज हो गया है, ठीक है। जैसा कि अगर हम लोग पहले वाले केस में यानी कि डाइलेक्ट्रिक जब पढ़े थे तो वहां भी हम लोगों ने बोला था कि अगर किसी भी डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पुट करते हैं तो पोलराइज हो जाता है, मे बी उसमें पहले से कोई पोलराइजेशन हो या ना हो, यानी कि पहले से कोई डाइपोल मोमेंट हो या ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज है कि अगर हम लोग इसकी बात करते हैं किसी भी मटेरियल की, तो पहले से जो डाइपोल मोमेंट है वो जीरो है, ठीक है। यानी कि m इनिशियल की अगर हम बात कर रहे हैं तो जीरो है, लेकिन m फाइनल जो है ये नॉन जीरो है। तो ऐसा केस में हम लोग इस चीज को क्या बोलते हैं कि मटेरियल इज पोलराइज्ड, ठीक है। तो यहाँ मैग्नेटिक पोलराइजेशन शो कर रहा है, हम लोग पिछले केस में इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन देखे थे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, खैर। तो अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो पोलराइजेशन है इस डायरेक्शन में है लेट से, तो हम लोग जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म डिफाइन करते हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी आई से डिफाइन करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होता है इट इज इक्वल टू एम बाई वी, ठीक है। वी क्या है तो वॉल्यूम है, ठीक है। ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ एनी मटेरियल है, आफ्टर पोलराइजेशन, पोलराइजेशन के बाद जो m है, यानी कि m की बात कर रहे हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट है, v वॉल्यूम है, तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म m by v रखते हैं। इस चीज को हम लोग आगे चल के मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी रखते हैं जब वो एक्सटर्नल फील्ड होता है तो, ठीक है। इसका यूनिट जो होगा क्या होगा, कोई बताएगा, बोलो। हेलो, मैग्नेटिक मोमेंट क्या था, आई इंटू ए, यानी कि एम्पियर मीटर स्क्वायर, नीचे मीटर क्यू, तो एम्पियर पर मीटर होगा, ठीक है। तो इसका यूनिट जो होता है एम्पियर पर मीटर होता है, आई वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, और एम बाई वी होता है, ठीक है। अब जो नेट हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड इनसाइड मटेरियल, ठीक है। जो भी मटेरियल है उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ है
बी इंड्यूस की अगर हम बात कर रहे हैं तो आई के टर्म में हम लोग ऐसा लिख लेते हैं म्यू नॉट इनटू आई, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म से जो रिलेट करते हैं तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो म्यू नॉट इनटू आई होता है, ठीक है। यहाँ पे एक टर्म और डिफाइन होता है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एच, ठीक है। बी एंड कहीं कहीं दिखेगा एच, ये दोनों क्या है उसके बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों है, बी जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को मान लेते हैं रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक फील्ड है। इसका जो यूनिट है ये हम लोग जानते हैं कि टेस्ला से यूज करते हैं या फिर टी से लिखते हैं या वेबर पर मीटर स्क्वायर, फिर टेस्ला हम लिख रहे हैं। एच की बात कर रहे हैं तो एच जो कहलाता है ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहलाता है, ठीक है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड ये है क्या, तो इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड ही है मैग्नेटाइजिंग फील्ड या फिर मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, या फिर इसको रहने दो ये कंफ्यूजिंग है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। और इसका यूनिट हम लोग जानते हैं कि यूनिट जो होगा वो एम्पियर पर मीटर होगा, ठीक है। और एच को अगर हमें लिखना है, बी को अगर लिखना है तो बी को हम लोग लिखते हैं म्यू नॉट इनटू एच, ठीक है। यानी कि ये जो है बी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है लेकिन इंटेंसिटी के टर्म में, मैग्नेटिक इंटेंसिटी के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यानी कि इसे हम बोल सकते हैं रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक है। और हम लोग ये इंटेंसिटी जो है अंदर का नहीं, फॉर एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। हम लोग इसे किसके लिए यूज करते हैं, तो एक्सटर्नल फील्ड जो कि वेरी नहीं कर सकता है मटेरियल टू मटेरियल, बाहर वाला जो हम लोग एक बार अप्लाई कर दिए हैं उस चीज की बात कर रहे हैं। तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को बिना लिख के एच के टर्म में लिख रहे हैं और वो हम इंटेंसिटी बोल रहे हैं कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एनी मीडियम अगर हम बात करें तो फ्री स्पेस का था, फॉर एनी मीडियम, मीडियम की बात करेंगे तो बी को हम लोग लिख सकते हैं म्यू इंटू एच या फिर म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच, ठीक है। तो ये चीज रिलेशन होता है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, बाहरी मैग्नेटिक फील्ड जो कि चेंज नहीं हो रहा है, तो उसे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है कि रिलेशन बिटवीन बी एच एंड आई, रिलेशन बिटवीन बी एच एंड आई क्या होगा, ठीक है। तो यहां से एक चीज अगर हम मान लेते हैं पैरामैग्नेटिक के लिए ही देखें, तो हम एक चीज पहले डिफाइन करते हैं ससेप्टिबिलिटी, फिर उसे बाद में देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं अगर हम पैरामैग्नेटिक ले रहे हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू B नॉट प्लस B इंड्यूस था, ठीक है। यानी कि हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट इंटू एच प्लस म्यू नॉट इंटू आई, अगर हम मीडियम म्यू नॉट फ्री स्पेस रख रहे हैं तो यहाँ से हम B को ये लिख सकते हैं, और यहाँ से हम बोल सकते हैं B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच प्लस आई, ठीक है। कोई और मीडियम होता, मीडियम के हिसाब से हम यहाँ म्यू को चेंज कर सकते हैं। तो मान लेते हैं एयर ही है, तो एयर के लिए म्यू नॉट हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर पैरामैग्नेटिक मान रहे हैं एयर को तो, ठीक है। तो ये चीज रिलेशन आएगा हमारा बी और एच में। यहाँ पे हम दूसरे चीज से रिलेट करने के लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी रिप्रेजेंट करते हैं,
मैग्नेटिक स्टेबिलिटी, ठीक है, मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी, इसे काई से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्स जैसा ऐसा रहता है, ठीक है। ये जो है कांस्टेंट है, और ये एक्स जो डिफाइन होता है, ये डिफाइन होता है रेशियो ऑफ आई बाई एच, ठीक है। एक्स जो है ये रेशियो ऑफ आई बाई एच को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यानी कि डिफाइन एज ले सकते हैं रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो इंड्यूज हुआ है अपॉन जो ओरिजिनल था। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहे हैं एक्स इक्वल टू आई बाई एच डिफाइन हो जाता है, लिख देते हैं रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इनसाइड मटेरियल एंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ठीक है। इसे बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी। तो यहां से हमें दिख रहा है I is equal to x into h, हम लोग लिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से इक्वेशन ऊपर वाला देखें तो उसमें हम लोग ये चीज लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट सिंस B जो था ये था म्यू नॉट h प्लस आई, ठीक है। B जो था म्यू नॉट h प्लस आई था। B अगर हम मीडियम के लिए लिखें, ठीक है, इस B को अगर हम मीडियम के लिए लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, म्यू नॉट म्यू आर h के टर्म में, तो h लिख सकते हैं। ये म्यू नॉट है, यहाँ h है, ये i को लिख सकते हैं x इंटू h, ठीक है। ये पूरा दिख रहा है कि म्यू नॉट कट गया, h कॉमन होके कट जाएगा, यहाँ से म्यू आर का जो वैल्यू आ रहा है ये वन प्लस का आ रहा है, ठीक है। यानी कि रिलेटिव परमिएबिलिटी जो होता है वन प्लस एक्स के बराबर आता है, ठीक है। x का कुछ भी वैल्यू होगा, अगर हम लोग यहाँ पे जो लेके सॉल्व कर रहे हैं पैरामैग्नेटिक सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे बीच में प्लस आ रहा है, अगर वही डायमैग्नेटिक होता तो क्या आता, माइनस आता, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक है तो ये बीच में प्लस आ रहा है, अगर डायमैग्नेटिक होता तो बीच में माइनस आता। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं म्यू आर जो होता है ये ग्रेटर देन वन होता है फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए ग्रेटर देन वन होगा, और लेस देन वन होगा फॉर डायमैग्नेटिक, ठीक है। म्यूवर क्या है सबको पता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी की बात कर रहे हैं, यानी कि रिलेटिव परमिएबिलिटी जो है ग्रेटर देन वन होगा फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स एंड लेस देन वन होगा फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, क्लियर है। यस सर। इसके बाद एक है क्यूरी लॉ, ठीक है, एनसीईआरटी एक बार इसे जाके पढ़ लेना है, अगर पहले से नहीं पढ़े हो फिर भी सारा थ्योरेटिकल ही याद रखना है। क्यूरीज लॉ एक टेबल भी बना के दिया होगा म्यू के बारे में, तो टेबल भी याद रखना है, एक एक नंबर का पूछ लेता है बोर्ड एग्जाम में। पिछली बार तो खैर डिलीटेड पोर्शन में था और इस बार अभी तक शुरू नहीं हुआ है तो डिलीटेड ही होना चाहिए। क्यूरी लॉ यानी कि मैडम क्यूरी ने दिया था, तो ये क्या लॉ है, ठीक है। तो ये दो मेन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जो आई है यानी कि अंदर का जो मैग्नेटाइजेशन इनसाइड मटेरियल, जो हम आई बोल रहे हैं, तो उन्होंने यही कहा कि ये जो आई है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच होगा,
यानी कि हम बाहरी कितना मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगा रहे हैं उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितना ज्यादा मैग्नेटाइजिंग फील्ड होगा उतना ही ज्यादा उसमें मैग्नेटाइजेशन आएगा। दूसरा चीज कि जैसे जैसे अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये जो मैग्नेटाइजेशन है वो घटेगा, ठीक है, यानी कि टेम्परेचर से जो है वो इफेक्ट घटता है, टेम्परेचर है। तो यहाँ दो चीज प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो यहां से उन्होंने बोला कि आई इज इक्वल टू जो होगा सी एच बाई टी होगा, ठीक है। और सी क्या है, तो सी इज इक्वल टू क्यूरीज कॉन्स्टेंट करते हैं, ठीक है, ये क्यूरीज कॉन्स्टेंट है। और फॉर स्पेसिफिक टेम्परेचर, स्पेसिफिक टेम्परेचर एक्स जो आता है वो बाई टी आता है, वो काई है यहां से दिख रहा है, तो स्पेसिफिक टेम्परेचर पे एक्स इक्वल टू सी बाई टी, ठीक है। तो सी का कोई भी एक मटेरियल के लिए फिक्स नहीं है, वो डिपेंड करता है, क्लियर है? Yes. ठीक है, इतना चीज यहाँ पे दिख रहा है कि सारा कुछ हमें याद ही करना है। एक चीज और, ये जो क्यूरीज का लॉ है ये पैरामैग्नेटिक पे तो सूट बैठता है लेकिन डायमैग्नेटिक पे सूट नहीं बैठता है, ठीक है। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, एक्स नहीं है काय है, और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं क्यूरीज लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, क्यूरीज लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, ठीक है, कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। इट इज वैलिड फॉर फॉर पैरामैग्नेटिक, यानी कि हम बोल सकते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स जो होंगे वो इसे ओबे करेंगे, वाइल अगर हम डायमैग्नेटिक की बात करें तो ओबे नहीं करेगा, बट डायमैग्नेटिक मटेरियल डू नॉट ओबे, डज नॉट लॉ, ठीक है। क्योंकि जो देख रहे थे मैग्नेटाइजिंग का पावर और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी डायमैग्नेटिक में कम होता है और टेम्परेचर के साथ कुछ ज्यादा वेरी नहीं करता, इतना बात में कोई दिक्कत? हेलो, नो सर, नेक्स्ट है हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। कुछ टाइप ऑफ मटेरियल जैसे आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, इन सब का मटेरियल जो होते हैं इसका जो लैटिस होता है उसके अनुसार जो अगर हम डाइपोल मोमेंट लिखते हैं तो वो मतलब कि क्या कहते हैं उसे, बोल सकते हैं कुछ पॉकेट टाइप का, मतलब एक एक पार्ट में बनके इसमें जो डाइपोल मोमेंट को शो करते हैं पॉकेट टाइप के बोल सकते हैं, या फिर ग्रुपिंग करके, ठीक है, ग्रुप वाइज इसका डाइपोल मोमेंट शो होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एटम्स हैव नॉन जीरो, यानी कि एम इनिशियल जो है वो नॉन जीरो है, इसमें जो एटम के पास मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं होता है,
एंड ड्यू टू सॉलिड लैटिस ठीक है सॉलिड लैटिस एंड क्वांटम फेनोमेना ठीक है एक्सचेंज कपलिंग कुछ कहा जाता है ठीक है ये दो फिनोमेना लैटिस और क्वांटम फिनोमेना एक्सचेंज कपलिंग जो होता है ये एटम्स के अंदर में होता है। इसमें क्या होता है कि एटम्स फॉर्म पॉकेट्स लाइक मटेरियल ठीक है पॉकेट लाइक मटेरियल पॉकेट मटेरियल इन सेम डायरेक्शन ठीक है उस पॉकेट में जो है सेम डायरेक्शन में रहता है। जैसे कि अगर हम इसका कुछ ऐसा बनाए तो इसमें हमें दिखेगा कि ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पॉकेट का लैटिस स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है ठीक है। और एक एक पैकेट का बात करें तो इसमें अगर मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में है तो जितने भी मॉलिक्यूल हैं उसी डायरेक्शन में शो करेंगे। इसमें ऐसा है तो ऐसा ही शो करेगा, इसमें ऐसा है तो ऐसा ही शो करेगा, इसमें ऐसा है तो ऐसा ही शो करेगा ठीक है। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट पैकेट की अगर हम बात करें तो उसमें जितने भी एटम्स होंगे वो सारे के सारे सेम डायरेक्शन में शो कर रहे होंगे। ओवरऑल भले ही सेम डायरेक्शन में ना हो लेकिन एक पैकेट की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें हमें दिख रहा है कि सारे के सारे जो हैं वो सेम डायरेक्शन में ही शो कर रहे हैं ठीक है। तो इस तरीके का कुछ बिहेवियर शो करता है ठीक है। और ये जो हमारा पैकेट बन रहा है ये जो हम बोल रहे हैं कि ये जो एटम है पैकेट पॉकेट मटेरियल बना रहा है तो पैकेट मटेरियल को जो बोलते हैं हम लोग डोमेन बोलते हैं ठीक है। तो ये जो अगर हम इसे ऐसा बोल रहे हैं कि ये वाला एक पोर्शन तो ये जो है हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एक डोमेन रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस डोमेन में देखें तो जितने भी मटेरियल एटम्स होंगे उन एटम्स का मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो सेम डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है। तो ऐसे जो मटेरियल्स होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स ठीक है। तो हमने देखा कि डायमैग्नेटिक में जो है एक एटम के पास भी डाइपोल मोमेंट नहीं है तो वैसे को हम लोग बोले डायमैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक यानी कि उनके पास हर एटम के पास है लेकिन टोटल जो है मैग्नेटिक मोमेंट जीरो ही है। यहाँ पे अगर हम फेरोमैग्नेटिक की बात कर रहे हैं तो एम इंडिविजुअल जो है वो नॉन जीरो है लेकिन एम टोटल अभी भी जीरो ही होगा अगर एक्सटर्नल फील्ड में नहीं रखे हैं तो। लेकिन इसमें जो हम एक एटम की बात कर रहे हैं उसके पास है लेकिन वो जो है लैटिस के कारण एक अलग अलग पॉकेट में फॉर्म कर रहे हैं और वो एक पॉकेट जो है एक साथ अगर देखा जाए तो उसमें जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो सबका सारे एटम का एक डायरेक्शन है ठीक है। तो इस तरीके का इसमें फॉर्मेशन होता है। इतना बात क्लियर है सर। क्वांटम फेनोमेना क्या होता है? क्वांटम एक्सचेंज कपलिंग कुछ होता है ठीक है हम भी नहीं जानते ठीक है हमारे सिलेबस से बाहर का चीज है ठीक है। बस इतना समझना है कि इसमें जो एटम्स होते हैं वो कुछ पॉकेट टाइप के फॉर्म करते हैं जिसे डोमेन कहते हैं और एक डोमेन में जितने भी एटम्स होंगे सबका मैग्नेटिक
डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो होगा वो सेम होगा, और डिफरेंट डिफरेंट डोमेन की अगर बात करें तो डायरेक्शन डिफरेंट हो सकता है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अगर हम इसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होगा? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम इसे रखते हैं तो क्या होगा, बोलो तुम लोग क्या होना चाहिए? सब एक लाइन से आ जाएगा। सब एक लाइन में आ जाएगा, ठीक है। हमें क्या दिखेगा कि सारे के सारे जो हैं ऐसा जो भी कपलिंग में था वो सारा ऐसा एक लाइन में हमें दिखेगा। ठीक है, इस तरीके का दिखेगा। इसमें ऐसा अगर अरेंजमेंट हो गया है तो क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड है वो ग्रेटर देन मैग्नेटिक, बहुत ज्यादा हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड बाहरी से। ठीक है, तो यहां से हम बोल सकते हैं आई जो होगा मच मच ग्रेटर देन एच होगा। ठीक है, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जैसे आयरन ये सब है तो इसीलिए जो है बहुत ज्यादा तेजी से क्या होता है कि मैग्नेट से अट्रैक्टेड हो जाता है। वो उसमें भी जो मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है, वो बहुत ज्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू बाहरी मैग्नेटिक। तो आई जो है मच मच ग्रेटर देन इसमें एच होता है। यहां से बोल सकते हैं कि एक्स जो होगा वो भी क्या होगा, मच मच ग्रेटर देन वन होगा। तो म्यू आर तो वन प्लस एक्स था तो बहुत ज्यादा है, तभी हाई ही रहेगा। इतना बात क्लियर है? बोलो। यस सर। ठीक है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है फेरोमैग्नेट का मटेरियल का ये जो है डिक्रीजेज विथ टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर के साथ एक्स डिक्रीज करता है, यानी कि जितना अगर हम हाई टेम्परेचर कर देंगे तो इसका मैग्नेटाइजिंग पावर जो है वो घटेगा। ठीक है, एट अ टेम्परेचर जिसे हम लोग बोलते हैं क्यूरी पॉइंट या फिर क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है, ये टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर है, टेम्परेचर एट विच फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिहेव्स एज पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं एक्स घट रहा है तो घटते घटते जो है पैरामैग्नेटिक की तरह हो जाएगा। एक्स अगर कम हो जाएगा तो एक्स जो होता है पैरामैग्नेटिकली कम होता है, तो एक टेम्परेचर आएगा जहां पे जो है ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करने लगेगा, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि अगर पैरामैग्नेटिक है तो यहाँ पे जो एक्स है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ही दिख रहा है हमें। ठीक है, तो ये क्यूरी लॉ को फॉलो कर रहा है। इतना बात क्लियर है? बोलो। यस सर। ठीक है, इसके बाद है हिस्टेरेसिस लूप। ठीक है, तो और 15-20 मिनट का टॉपिक रह गया था, घंटा मान के चलो, ये सुपर कंडक्टर का मेजनर इफेक्ट और हिस्टेरेसिस लूप, तो उसे नेक्स्ट क्लास में हम लोग खत्म कर लेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन कर लियो हो तो उसे खत्म करके फिर डिस्कशन कर लेंगे, कोई दिक्कत या फिर आगे पढ़ना शुरू करेंगे, क्या चाहोगे? सही, ईएमआई शुरू कर दीजिएगा।
ठीक है तो इसको नेक्स्ट क्लास में बस थोड़ा सा बच गया है, ठीक है। थैंक यू सर। तो उधर बारिश हो रहा है क्या? नो सर। तो हो रहा है, ये